आइए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ऑक्टोपैड मेनिया। और आपकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप अभी जो लास्ट मैंने वीडियो डाली है माँ रंग तेरा ऐसा चढ़िया, उस पैच की आप एडिटिंग बता दीजिए। कोशिश करता हूँ हर पैच की मैं एडिटिंग आपको बता सकूँ, और आपका प्यार आपके कमेंट मुझे मिलते रहते हैं। तो आइए उसी कड़ी में मैं आपको उसकी एडिटिंग बता देता हूँ। और अब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ, और बहुत जल्दी अब मैं लाइव सेशन भी शुरू करने वाला हूँ। किसी को किसी तरीके की भी अगर उस पर क्वेरी करनी है तो आप जरूर कीजिए। आइए फटाफट से हम उस पैच को थोड़ा सा बजा लेते हैं और उसके जस्ट बाद उसकी एडिटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल है, आपको मैं बजाने का तरीका बता देता हूँ। जो हमारा रनिंग पैटर्न चलता है वो इस तरीके से है। और जो उसमें शुरू में है उसका जो एंट्रो है वो इस तरीके से, इस तरीके का ये रहता है। मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है। यहाँ ये क्रॉस वाइज 1 2 3 4 बजेगा, और यहाँ पे ये लेफ्ट राइट स्टिक जाएगी, और यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 2 बार। और आइए फटाफट से इस पैच की हम लोग एडिटिंग देख लेते हैं। मैंने एक जगह यहाँ पे डिले का यूज किया है, वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। और वीडियो को स्किप मत करिए, तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। बीच में मैं छोटी छोटी जानकारियां बताता रहता हूँ। आइए फटाफट से हम एडिटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पैड से शुरू करते हैं। यहाँ मैंने इंस्ट्रूमेंट में डाला हुआ है L12, जिसका लेवल है 14, पिच है उसकी 9, डिके है यहाँ 20, और सेंटर इसका पैनल है, कर्व है EP4, और FX यहाँ पे 0 है। आइए फटाफट से इसके बी पार्ट में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ मैंने L12 डाला हुआ है, और लेवल है इसका 15, पिच है 14, और डिके 10 है, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है, और FX यहाँ पे 0 है। आइए यहाँ बी इसमें हम लोग सेकंड पार्ट में बात कर लेते हैं। सिंपल, मैंने ढोलक का बेस लगाया हुआ है जो हमें मिल जाता है I21 पे, ए पार्ट में बता रहा हूँ मैं, जिसका लेवल है 13, पिच है इसकी -2, डीके यहाँ पे 10 है, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है, और FX यहाँ पे 0 है। आइए फटाफट से हम इसके बी पैनल में बात कर लेते हैं। I24 मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, इसको लगाएं नहीं लगाएं बहुत सुंदर लगता है। और इसका मैंने इसलिए ऑफ कर रखा है क्योंकि मैं ढोलक के साथ कोई और परकेशन यहाँ यूज नहीं करता। वैसे मैंने ढोलक की चाटी यहाँ पे लगा रखी है, आप देख लीजिए, अगर आपको इसका यूज करना है तो आप इसको उठा सकते हैं। आइए इस और हम चलते हैं सिंपल, आप या फिर इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे हम थर्ड पैनल में चलते हैं। यहाँ पे ए पार्ट में मैंने लगा रखा है ढोलक का जो बेस का, जो हम लोग हिस्सा लगाते हैं उस तरीके की साउंड करता है I20 पे, लेवल है 15, पिच है 4, डिके है 25, पैनल सेंटर में, कर्व EP4 है, और FX इसका 0 है। आइए इसके बी पार्ट में हम लोग बात कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट L27 है, इसका लेवल 11 है, पिच है इसकी -7, डिके है यहाँ पे 10, और सेंटर में इसका पैनल, कर्व EP4, और FX आप देखेंगे यहाँ पे 0 है। आइए इस पैनल में बात कर लेते हैं। यहाँ ए पार्ट में मैंने डाला हुआ है L27, पिच यहाँ पे 15 है, और सॉरी लेवल 15 है, पिच -1 है, डिके है यहाँ 20, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है, FX है यहाँ पे 0। आइए इसके बी पार्ट में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ डाला हुआ है मैंने इंस्ट्रूमेंट में A15 क्लैप, और यहाँ पे इसका लेवल है 10, पिच है -1, 1,
और यहाँ डिके है इसका जीरो, सेंटर में इसका पैनल है, कर्व है EP4 और FX यहाँ पे जीरो है। आइए बात कर लेते हैं हम इस पैनल में। यहाँ मैंने I07 डाला हुआ है जिसका लेवल है जीरो, क्योंकि इसमें FX लगा है तो बाद में साउंड करेगा ये क्लिक करने के बाद में। पिच है इसकी जीरो और यहाँ पे डिके इसका जीरो है। पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और FX यहाँ पे 15 है। आइए बात कर लेते हैं इस FX को हम कैसे लगाएंगे तभी ये बजेगा। FX में जाने के लिए आप सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करिए, साउंड में गए, दोबारा सिलेक्ट दबाया मिडी और देन उसके बाद लगाया हमने FX ऑब्लिक पैडल। यहाँ लाइट आ गई, इंस्ट्रूमेंट पे लाइट रहेगी 20 रखना है, लेवल FX में यहाँ पे लेवल रखना है 10। पिच पे लाइट आएगी, इसको कर देना है 12। डिके पे जाएगी U24, यूटिलिटी 24 रखनी है और यहाँ पैनल जो है 10 रखना है। कर्व पे लाइट आ जाएगी और यहाँ 16 कर देना है। उसको आपने देख लिया लाइट यहाँ है और यहाँ सिंपल सा है ये, दोबारा से इंस्ट्रूमेंट पे आ जाएंगे, ये बाद में साउंड करेगा, क्लिक करने के बाद तबला आएगा। तो आइए इसके बी पार्ट में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसका मैंने बी पार्ट में डाला है जो है I30, जो ढोलक का बायां है वो डाला हुआ है। लेवल रखा है मैंने 12, पिच है यहाँ 2, डिके 0 है, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और FX यहाँ पे 0 है। आइए फटाफट से इस पैनल में हम बात कर लेते हैं। यहाँ मैंने सिंपल ढोलक की चाटी रखी हुई है क्योंकि जब ये स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है तो ढोलक और तबला दोनों ही का इसमें इफेक्ट आ रहा था, कोशिश करिए वैसा बनाने की। I24 और यहाँ पे पैनल इसका जो है हमारे 6 पैड का इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ इसका लेवल है 11, पिच है यहाँ पे 3, डिके है 22, पैनल सेंटर में है, कर्व यहाँ पे EP4 है और FX यहाँ पे 0 है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं FX 0 है, उसके जस्ट बाद हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हम आ जाते हैं 7th पैड पे। यहाँ पे मैंने सिंपल I01 लगाया हुआ है इंस्ट्रूमेंट, लेवल 15 रखा हुआ है और यहाँ पे पिच है इसकी 3, डिके है 31, पैनल सेंटर में है, कर्व है इसका EP4 और FX यहाँ पे 6 है, जिससे थोड़ा और फैलता है ये। आइए फटाफट से हम लोग इसके बी पार्ट में बात कर लेते हैं। बी पार्ट में मैंने यहाँ लगाया हुआ है स्मॉल H29, लेवल है 15, पिच है यहाँ पे 0 और यहाँ पे इसका डिके है 3rd और यहाँ पे सेंटर में इसका पैनल है, कर्व है EP4, FX यहाँ पे मैंने 2 रखा हुआ है। आइए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट यहाँ लास्ट पैड की। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ बेस रखा हुआ है ना B47, जिसका लेवल है 12, पिच है 0 और यहाँ डिके इसका जो है वो है 11, सेंटर में इसका पैनल है, कर्व EP4 है और FX 0 है। आइए इसके बी पार्ट में हम लोग बात कर लेते हैं। L27 घुंगरू लगाए हुए हैं और यहाँ पे 12 इसका लेवल है, -5 इसकी पिच है, 31 डिके इसमें डाला हुआ है, सेंटर में इसका पैनल है, कर्व EP4 है और FX यहाँ पे 0 है। इसी तरीके से ये हमारा पैच यहाँ पूरा हो जाता है, बहुत सिंपल सा इसका बजाने का रहता है। तो आइए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा, दादरे की एक वीडियो डालूंगा आपके लिए, मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है। अगर आपको पैच अच्छा लगता है आप बनाइए और लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ धन्यवाद।